वैसे हमारा नाम बालन है। आपका नाम क्या है? वर। नाम क्या है तोहर? झुमरी। झुमरी, झुमरी नाम है। हाँ, झुमरी, अच्छा नाम है। और ई का नाम क्या है? बछुआ का नाम क्या है? मुन्ना। मुन्ना। मुन्ना, दा तेरी की। ई भी कौनो नाम है का? अरे हतना खूबसूरत बच्चा है। अरे इसका नाम तो होना चाहिए लाला। का बछुआ, नाम पसंद आया ना? आज से तुम्हारा नाम है लाला। अरे का है? चेहरा इतना कुंभला का है गया? भूख लगी है का? सोहम को सबकी नजरों से बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। मुझे अपनी पहचान बदलनी होगी। आज वर्षा मर जाएगी और झुमरी जन्म लेगी। अठारह साल हो गए उस बात को, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी मुझे सोहम को खो देने का डर लगा रहता है। वो लोग तो अब तक भूल भी गए होंगे कि वर्षा नाम की कोई शख्स कभी उनकी जिंदगी में हुआ करती थी। लेकिन अगर उन्हें याद आए तो नहीं। सोहम आज मुंबई जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं गलती से भी उन लोगों के साथ सोहम का आमना सामना हुआ तो, और उन्होंने सोहम को पहचान लिया तो इतने साल के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पापा, पापा मेरे सोहम की रक्षा करना, हमारे रिश्ते की रक्षा करना और उसे सही सलामत वापस मेरे पास ले आना। पूर्वी, अर्जुन तुम आज फिर से लेट आए। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा काम आ गया था तो काम काम काम, दिन से लेके रात तक तुम गैराज में काम करते हो, फिर रात को दही हांडी की प्रैक्टिस। मैंने टाइम ही कहा है तुम्हारे पास। ओके, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, अब अगर मैं बिजी नहीं रहूंगा तो तुम्हारे आई की दी हुई शर्त कैसे पूरी करूंगा? अच्छा वो सब छोड़ो, गैस कि मुझे आज टिप में कितने पैसे मिले? कितने? 150 रुपीज। टोटल कितने हो गए? अप्रॉक्सीमेटली 2000। मेरी सैलरी कितनी है? 8000। टोटल कितना हुआ? 10000। तुम्हारी आई का दिया हुआ चैलेंज बस कुछ ही दिनों में कंप्लीट। वैसे मैं क्या कह रहा हूं कि ये मैडम आपका ऑर्डर। ये क्या, तुमने ऑर्डर कर दिया? हाँ, तो भूख लग रही थी मुझे, कब तक वेट करती तुम्हारा? अच्छा खाओ ना, प्लीज ना खाओ ना। सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए खा रहा हूं, वरना मैं नहीं खाता। बाय द वे, मैं क्या कह रहा था कि इसके पैसे मैं दूंगा। क्या? नहीं, आज के पैसे मैं दे रही हूं। मैं कहा ना इसके पैसे मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। सिंपल इज दैट। नहीं, आज पैसे मैं ही दूंगी। वैसे भी अब टाइम ही कितना बचा है ना, थोड़े दिनों में तुम अर्जुन से वापस अर्जुन के लॉस्कर बन जाओगे। फिर कहां तुम मेरे साथ ऐसे स्टॉल्स में आओगे, है ना? स्मार्ट है। दिया, तुम्हें ती अर्जुन के लॉस्कर के साथ खाना खाने का मौका दिया। यू नो व्हाट पूर्वी, आई प्रॉमिस, जब मैं अर्जुन से ती अर्जुन के लॉस्कर बन जाऊंगा ना, तब भी तुम्हारे साथ पाव भाजी खाने में यहीं पे आऊंगा। इट्स अ प्रॉमिस। अच्छा, मेरे साथ? कौन तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ नहीं तो फिर किसके साथ? और अगर आई ने मना कर दिया तो? क्यों मना करेगी? इस तरफ तुम्हारी आई का दिया हुआ चैलेंज कंप्लीट हुआ, वहां पर मैं तुम्हारे घर पे आया, तुम्हें लेके शादी कर ली। सिंपल इज दैट। और अगर मेरी नियत बदल गई तो? मैं फिर से तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो जाऊंगा, वेट करूंगा जब तक तुम अपने घर से बाहर नहीं आती।
तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहूंगा तेरा लव यू पूर्वी, तब तो मानोगी। तेरी शर्ट दा मैता बटन सोनी। वेट, यू नो व्हाट, सॉरी, खोल के देखो। क्या है ये? हाँ खोल के तो देखो, पता चल जाएगा क्या। बालों का तेरे में खाए क्लिप हो गया तेरी शर्ट दा मैता। लेकिन ये तुमने क्यों खरीदी, इतने पैसे तुमने क्यों खर्च? मैंने ली क्योंकि मुझे चूड़ियां पसंद थी। ये तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? वही मैं पहना था। देखते ही दिल ये स्लिप हो गया और मर गए यार दीवाने, हो तेरे लवर पुराने और डाई हार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर ना जान मेरी शर्ट दम। थैंक यू। का रे? हाँ? का एक खंबे की तरफ भूत बन के खड़ा है बीच में, पटना से इतना दूर का भूत बनने के लिए आया का? यादव जी, कहीं पुलिस ने हमका पहचान लिया तो चौकन्ना तो रहा ही के पड़ी ना, हम आगे की नहीं सोचेंगे तो। ससुरा या आगे का नहीं अब ही का सोचो। बंदर की औलाद ससुरा, आज से पहले मुंबई आया हो का? नहीं ना, तोरा रिकॉर्ड पुलिस के पास है का? नहीं ना, तो कैसे पहचाने का ससुरा होते को? गजब बात करते। ये बात तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। इसका मतलब हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। अरे लाइए टिकट दिखाइए। अरे टीसी साहब, हम का विदाउट टिकट समझो का? दिखाई दो का। अरे टिकट दिखाइए। इलो ये देखो। धन्यवाद। ऊ कहाँ है? कौन भैया, कोई हमका लेने आने वाला था का? अरे ससुरा ओ का नेम उका बात। ओ आए ओरा, आओ आओगे का? चलिए भैया आ जाओ। बहुत चोर आए, आ रहे हो अंदर, जाते हैं हम। हम यहाँ रुकत है, आ जाओ। अबे का है? अरे का देखा जा, ससुरा बुड़बक हो गया है। ऊ देखिए, हमने पहले ही कहा था मुंबई आने में बड़ा खतरा है। अबे चुप, तुहार खोपड़िया में एको बात नहीं आता का? अबे ये धंधा में इतना डरेगा तो काम का खाक कर पाएगा तू। कमरिया कर लॉप लॉप, लल्ली हल्के हो गए हम। हमका लगता है तुम सबो भी हो आओ एक बार। तू देखो वे हमरा पोस्टर छपा है मुंबई शहर में, हमरा पोस्टर कोनो छोटा बात आही है। यहाँ सब बड़े बड़े लोगन का पोस्टर लगा था, अब हमारा छपा है। बड़े हो गए ससुरे हम भी, का जबरा लग रहे हैं देखो जरा। उका है ना कि तुम बड़े हो या नहीं ये तो मालूम नहीं विष्णु लाला, लेकिन ये पोस्टर के साथ हमारी बाकी की गैंग खतरे में आ गई है। मुंबई शहर बिजी लोगों का शहर है ससुरा, कौनों के पास पोस्टर बोस्टर देखने का टाइम नहीं है। उस ससुरा जो हमेशा यहाँ पड़ा रहता है वो टिसिया, वो हमका नहीं पहचान पाया, बाकी लोगन का पहचानेगा बे? अब तुम सभाओं के सामने हम पोस्टर फाड़े काहू के कोनो फर्क पड़ा का नहीं पड़ा ना, काहे बता रहे हो? हाँ इस गैंग की सुरक्षा का अगर सवाल है उस सोचने के वास्ते अभी
हम यहाँ हैं। कौन? इस मिशन का सरदार। हाँ हाँ, वही कृष्ण मंदिर। इस बार उस कृष्ण मंदिर को पूरे 60 साल हो रहे हैं। इसी खुशी में हम इस बार जन्माष्टमी वहां मना रहे हैं, चौल में नहीं। और हर साल की तरह दही हंडी भी वहीं होगी। हर साल तुम्हारे पापा इस दही हंडी की शान रहे, इस साल तुम वहां आकर इसकी शान बढ़ाओ। ओके, थैंक यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अर्चना, तुम्हें पता है हमारे साथ एक खास मेहमान शामिल होने जा रहे दही हंडी में। फिल्म स्टार हैं या आसपास फिल्म के सिलसिले में कुछ काम है तो हमारे पास भी आ रहे हैं। अरे वाह मानव, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्या आपने उन्हें इन्वाइट किया। और वैसे भी हमारे यहाँ की दही हंडी ऐसी होती है ना कि हर किसी को एक ना एक बार तो उसे एंजॉय करना ही चाहिए ना, है ना? धीरे धीरे, आराम से। ये ओमी चल ना जल्दी, ये हमेशा लेट करती बाबा नखरे वाली। बाबा मैं आज ही को नीचे लेके जा रही हूँ वॉक के लिए। आई का चश्मा, आई आपका चश्मा, मैं दे दूंगी। ओमी चल ना बाबा, क्या कभी से मैं खड़ी हूँ, आना। जरा चल लूंगी ना तो पाँव में आराम हो जाएगा बेटा, आज। अर्चना, ओवी और तेजू को समझाने का, उन्हें सच्चाई बताने की तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, क्योंकि तुम्हारी बात उन तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन मैं जानता हूं कि सोम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराना गलत है। हाँ अर्चना, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। और वैसे भी अब सोम को हमसे बिछड़े कई साल हो गए, वो बहुत दूर चला गया हमसे। चना 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 चना, 5 रुपए का पूड़ी, 5 रुपए का पूड़ी, चना 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 चना। ओ लला, तो का पक्का यकीन है ना कि हम सही जगह आए हैं? वो मानव देशमुख यहीं रहता है ना? हम सही जगह तो आए हैं ना? चना 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 चने 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 चना चना चना। अरे ईका ससुरा, हमको तो लगा था हम यहाँ रहने आए हैं, अब पता चला कि हमारा बकरा यहाँ रहता है। चना 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 चने चने चने। अरे हम तो पहले ही बिष्णु को बोले थे, सारी डिटेल चेक करा लीजो ठीक से। अरे कनाडा का इतना बड़ा बिजनेसमैन ये पटीतर सी चाली में थोड़ी ना रहेगा, दिमाग लगा है। मुझे तो लगता है कि कहीं हम किसी गलत आदमी के पीछे तो नहीं आ गए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजो, अगर इस बार कोनो गड़बड़ हो गई ना तो बालन चाचा हम सब में से किसी को छोड़ेंगे नहीं, समझा ना? चने 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 चने। हम लोग सही जगह पर हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, 18 साल बाद आई ने ओवी और तेजू को सोम के बारे में क्यों बताया? मैंने खुद इस बात का जिक्र उनके सामने कभी नहीं किया। हाँ लेकिन उस हादसे को मैं भूल नहीं पाया। अर्चना, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अतीत का वो हिस्सा छुपा कर रखा है, उसे अपने आज पर कभी हावी नहीं होने दिया। मैं जानता हूं तुम्हें उस वक्त अपने बहन की चिंता थी, इसलिए
तुमने सोहम को उसके करीब आने दिया, लेकिन उसने इसका गलत मतलब निकाला और उसे लेकर माना। एक बात बताई, अगर आज सोहम हमारे साथ होता तो क्या हम कभी अलग नहीं हुए होते? पुलिस यहां क्या कर रही है? मानव, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ओवी तेजो वो मुझे ये कह रहे कि सोहम के साथ जो कुछ भी उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैं एक स्वार्थी माँ हूं, मैंने अपने बच्चे को दान दे दी। मिस्टर मानव देशमुख आप ही हैं? जी हाँ। आपने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था? जी। हमारे दो कांस्टेबल आपके घर के बाहर तैनात रहेंगे 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए। सर, इस वक्त आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ लीगल पेपर साइन करने हैं। चलिए। मानव, सब ठीक तो है ना? मतलब आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? मैं चिंता मत करो अर्चना, कुछ नहीं होगा मुझे। अब देखो पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल गई है। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज संभल कर जाइए। मैं संभल कर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, कुछ लीगल पेपर साइन करने मैं होकर आता हूं। चलिए। अरे पापा, ये सब क्या हो रहा है? बेटा वो ऑफिस केस से रिलेटेड कुछ काम है, वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। अरे सब ठीक है तो ये पुलिस क्यों तेरे साथ में आई? इनके साथ कुछ डिस्कस करना है इसीलिए जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऑफिस में? पर पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। बेटा तू आई के पास रुकी थी ना, और अभी अभी तो तूने ऑफिस ज्वाइन किया है। पापा मुझे बहुत टेंशन हो। मैं सब कुछ तुझे बाद में बता दूंगा, तू आई को लेकर ऊपर जा। जाओ दोनों ऊपर जाओ। देख बेटा, संभाल के जाना। ये चने वाला इकड़े 10 रुपए से चने दे। हेलो सर, मैं मानसी बोल रही हूँ। हाँ मानसी बोलो। एक्चुअली सर, देयर इज गुड न्यूज। अभी पिछले 2 दिन से हम जिस जापानीज कंपनी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आज फाइनली उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया है, और वो अर्जेंटली टेली कॉन्फ्रेंस पर आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर, मुझे कुछ जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा, इज इट ओके वो पेपर्स मैं बाद में साइन करूँ? ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप बाद में आ जाइए। वैसे मिस्टर मानव, हमने उस खन्ना के इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, ही इज अ फेक पर्सन। हमने उनका मोबाइल नंबर भी ट्रेस किया है, बट वो अनअवेलेबल आ रहा है। आपको चौकन्ना रहना होगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वो बड़ा ही बेरुपिया है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। हो सकता है इस वक्त आपके आसपास ही हो। इट्स सीरियस, मैं ध्यान रखूंगा। अब मुझे जाना होगा, मैं तैयार होकर ऑफिस जाऊंगा। जी बिल्कुल मिस्टर मानव, आप दोनों इनके साथ जाइए। चलो गाड़ी निकालो। एक चने वाला, एक चने दियो। हमारे लिए भी बनाई दो। अब क्या करें विष्णु लाला? हाँ, हम इस आदमी को उठाने वाले थे, लेकिन इसने तो पहले से ही पुलिस प्रोटेक्शन मांग रखा है, और तनिक उठाने वाले की होशियारी तो देखो। ऐसन फोटो खींचा कि ससुरा पहली ही कोशिश में टारगेट को पता लग गवा। एक बात तो मानना पड़ेगा, तोहार में और किसना में कोनो फर्क नहीं है,
बस ई अपना डर जाहिर करत है, तू छुपावत है। अरे ई सब छोड़ो, प्लान पे ध्यान दो और ई सोचो कि वो आदमी का हम कैसे उठा पाएंगे। भीड़ में उठाएंगे होगा। मतलब जन्माष्टमी का दिन उठाएंगे मानव देशमुख को। अरे वो आ गया।